Kishore Namit Kapoor Acting Institute, India's premier acting institute, proudly presents a series of free online lectures on film, television and theatre acting. These e-training lectures are provided for those who want to nurture their passion for acting but find Tinseltown out of reach. The following e-training is not a substitute for real-world training, since factors like feedback make an immense difference in performance art. It was great fun. The after effect was tremendously, you know, liberating. And I think the kind of things that he makes you do is kind of break into yourself. The following talks are not in order, since we don't want them misused. Acting, an emotive art. हम सब कुछ उधार ले सकते हैं. Emotions उधार में ही ले सकते हैं. बहुत सारी situations होती हैं. मेरा नाम जोकर. ये हो सकता है कि आप बहुत खुश हैं. और आते ही डायरेक्टर ने कहा कि आज हम एक बहुत इमोशनल सीन कर रहे हैं. या आप किसी वजह से उदास हैं और डायरेक्टर कहता है आज हम एक सॉफ्ट रोमांटिक सीन कर रहे हैं या एक कॉमेडी कर रहे हैं. सिचुएशन कुछ भी हो सकती है. वो बोलता है कि भाई आज तो हम एक ड्रामेटिक सीन कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह. ये हो सकता है कि आपका दोस्त आपके दुश्मन का रोल कर रहा है. ये हो सकता है कि 9 फिल्मों में जो आपकी हीरोइन थी आज आपकी माँ बनी हुई है, या 9 फिल्मों में जो आपके हीरो थे वो आपके बेटे बने हुए. काफी शक्ति. अमजद खान अमिताभ से छोटे थे, बाप का रोल करते थे और बहुत फिलंथ्रोपिस्ट थे, लेकिन हमेशा या ज्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर की. राइट, आप एक टेररिस्ट का रोल कर रहे हैं और जो टेररिस्ट है वो जो कैरेक्टर है जाती जिंदगी में आप उससे नफरत करते हैं, लेकिन आपने उनके उन कैरेक्टर्स के बिलीफ को समझना, उनके माइंडसेट में जाना है उन कैरेक्टर्स के. हमारे यहाँ कुछ सेट है जो परमानेंट है, जैसे आरके में से कोर्ट रूम है. तो 2 दिन पहले आपने जज का रोल किया था और आज आप एक लॉयर का रोल कर रहे हैं, कर रही हैं, या हो सकता है क्रिमिनल का रोल कर रहे हैं या एक मुजरिम है या एक इंसान जिस पर यानी इल्जाम लगाया गया मुल्जिम, लेकिन वो मुल्जिम नहीं है, व्हाटएवर, लेकिन एक अलग ही कैरेक्टर कर रहा है. कोठी में आपने 2 दिन पहले एक टाइकून का रोल किया था और एंटरप्रेन्योर वुमन, और आज आप एक सफरिंग वुमन का या एक नौकर का रोल कर रहे हैं, मालिक का रोल कर रहे हैं. ड्रग से आपका दूर पास का वास्ता नहीं है, ड्रग एडिक्ट का रोल कर रहे हैं. ऐसी 50 सिचुएशन होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब सिचुएशन होती है और ये पहली बार आप जानेंगे कि समटाइम्स एक्टर फील वेरी मैकेनिकल. हम कंप्यूटर नहीं हैं, लेकिन कंप्यूटर में भी वायरस आता. खुदा ने, अल्लाह मियां ने हमें, गॉड ने अपनी फॉर्म में बनाया. आप देखिए कि हमारे शरीर में 3/4 पानी है, 1/4 सॉलिड है. जैसे मौसम होते हैं ऐसे हमारे भी मौसम होते हैं. नेचर में कह लीजिए, कुदरत कहना चाहें तो, गर्मी, बरसात, सर्दी और कभी कभी पतझड़. एक नई टर्म है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, उसे कहते हैं क्रिएटिव लो. देयर आर टाइम्स व्हेन एक्टर फील एब्सोल्युटली लो, मैकेनिकल. दे कांट फोर्स इमोशंस एंड यू कांट. इमोशंस आर वेरी शाय. आप उन्हें फोर्स करोगे इश्क करके शर्मा के छुप जाएंगे. आप कर ही नहीं सकते. एन एक्टिंग इज एन इमोटिव आर्ट. आपने इमोट करना. आर्टिस्ट के पास ब्रश है,
एक गीतकार है उसके पास कलम है, एक म्यूजिशियन है उसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास क्या? यू आर द इंस्ट्रूमेंट, यू आर द प्लेयर, यू आर द मटेरियल एंड यू आर द सोर्स. सबसे बड़ी बात यह है कि जब आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन आती है तो पेंटिंग बनाता या बनाती. रात को अचानक कोई धुन सिर में गूंजने लगती है और अगले दिन ए आर रहमान रोजा का म्यूजिक कंपोज करता. That's the truth. अचानक कहीं से कुछ फिल बदल सूझ जाता है. अंसारी साहब से पूछो, बताएंगे. यहां तो डायरेक्टर कहेगा एक्शन एंड यू हैव टू बी इंस्पायर्ड इन स्पिरिट, इंस्पायर्ड इमोट, स्विच ऑन एंड देन स्विच ऑफ. तो करेंगे क्या? मैं एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूँ. मिर्जा गालिब का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो बड़े शर्म की बात है. हिंदुस्तान के क्या दुनिया के अजीम शायर, बेहतरीन है ना, तो बहादुर शाह जफर के दरबार में आया जाया करते थे. वो बादशाह थे, वाहिया से शायर थे मेरे हिसाब से. देखे कलाम अच्छा है, कितना है बदनसीब जफर, दो गज जमीन भी ना मिले, पूछा है यार में. तो एक दिन उन्होंने गालिब से पूछा कि मियाँ आप शेर कैसे लिखते हैं? तो गालिब साहब तो बड़े मुंह फटते, उन्होंने कहा कि महीनों से धुन का कुछ नहीं होता और कभी कभी फिल बदी हो जाता था और स्पॉन्टेनियसली है ना, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, एक्सेम्पो इम्प्रोवाइजेशन. ये सर मियाँ हम तो पहाने में बैठ के गीत लिख लेते हैं. पहाने में मतलब यू नो अंदर से लाओ. मिर्जा गालिब मुंह फटते, उन्होंने कहा था तभी तो आपके शेरों में इतनी बदबू आती है, आपके एक्टिंग में खुशबू आनी चाहिए, तो क्या करेंगे? और मैं आपको बताऊं, इतना आसान सा जवाब है, मैजिक है. कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू फोर्स. आप अपनी वैनिटी वैन में बैठ जाए, मेकअप रूम के कोने में 10 मिनट के लिए बोलो कट ऑफ, ओके, बी इन द मोमेंट, थिंक. Now you are using mind. Now mind is not abusing it. You are doing active thinking. और सिंपल सी ये लाइन है, मैं लिखवा भी दूंगा आपको. If I were, actually technically or grammatically यही सही है, लेकिन if I was आपके लिए this particular character, अगर मैं ये पात्र होता या होती, and these were given circumstances, ये स्थितियां होती, तो how would have I behaved? मैं कैसे व्यवहार करता? You are just thinking, right? Mind, now you're using mind is bound to give you some problems to solve. You start concentrating, thinking, active thinking. And I promise you, without you knowing, you will dip into that level of coincidence, jo technical jargon hai jo kal maine bola tha. Yani you start emoting. You understand, मैंने क्या बोला? How would you, I behave? Behavior is what? Emotions in action. So you start emoting. अभी अगर करोगे बेटे तो बहुत नुकसान होगा आपका, क्योंकि you know बिना समझे अगर आप करेंगे तो आपका घोड़ा मर जाने वाला है. सुन लो पहले, नहीं तो चाहत थोड़ा सा बता ही चुकी है पहला कुछ लोगों को. Okay? So मैं सिर्फ आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड. वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग, यानी बोथ लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक्टिंग इज अंडरस्टैंडिंग. वी यूज लॉजिकल ब्रेन, कोई टेक्निक भी है तो उसको पहले समझेंगे ना. इमोशन है तो आप समझेंगे ना इमोशन क्या होता, यू नो, एंड देन यू क्रिएट राइट ब्रेन. पहले आप समझ भी लो, और टेक्निक है, जैसे टेक्निक ओरिएंटेड वर्क एंड एक्टर्स नीड टेक्निक्स. पहले लोग सोचते थे एक्टर्स को जरूरत नहीं है, वी नो इट अदरवाइज नाउ, स्पेशली फॉर फिल्म एक्टिंग, जहां आप एक कैरेक्टर इकाई में नहीं जीते, टुकड़ों में जीते हैं. कई बार आप पैदा पहले होंगे और मरेंगे बाद में, कई बार उल्टा होगा, मरेंगे पहले और पैदा बाद में होंगे. शॉर्ट्स आर नॉट टेकन इन सीक्वेंस, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. दिस इज हाउ यू नो यू आर गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, लव द कैमरा एंड बी कंफर्टेबल. जब हम किससे मोहब्बत करते हैं तो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज वी आर वेरी श्योर, यू नो कि यू कैन कंट्रोल योर इंस्पिरेशन. अगर आज आपने समझ लिया इस बात को तो कंट्रोल योर इंस्पिरेशन, अदरवाइज कैन समबडी कंट्रोल? बट फॉर एक्टिंग यू हैव टू, दैट्स व्हाट इज योर की लर्निंग. दिस इज योर की लर्निंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट? आई विल टेल यू हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स.
jo bhi all over the world available hai. Suppose it does not work, then we know there are other techniques. There are processes you can create. So no reason, unmanifest to manifest. Big bang. Lekin still, ab tak jitne bhi breakthrough hua hai, jitna bhi kaam hua hai, people believe this is the best technique, magic if. So pehle aapka base jo hai, ye samajh lo, main baat kar raha hu aapse, ye aapka base hai, then okay, build the whole structure and do the interior. Okay, coming to the point, right? Just maine aapse kaha ki aap sochte hain and then you start emoting. And then because you caused it, so you are also very clear. और आप सबसे बड़ी बात क्या सोचते हैं कि मैं अगर ये कैरेक्टर होता, so we'll come to that. So जो आप करेंगे उसमें बहुत एक यूनिकनेस आएगी. वो कैसे? Because you are unique. So आपने ये सोचा कि मैं ये होता और ये स्थितियां होती तो मैं कैसे बिहेव करता. एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट इमोशंस यू कैट कनेक्टेड उस वक्त. देन जैसे ये होता है कि आपका वो इमोशनल बैंक हो गया, देन यू कैन रिलैक्स लाइक इन लाइफ. जैसे भी कोई मिलती जुलती सिचुएशन आती है, हम सोचते थोड़ी हैं कोई, सब सबकॉन्शियस माइंड में. So it gets transported to this, which you are going to experience, conscious to subconscious mind, and that's it. So jaise hi short hoga, action hoga, you emote, cut hoga, you switch off. Not very abrupt, usme bhi time lagta, light ko travel karne mein time lagta. Tumhe pata nahi lagta, it's not perceptible, but that much time, you know, that's it. That's it. Kyunki every time, jab bhi koi situation aati hai, hum kaise emote karte hain, kya hum puri apni life ke baare mein sochte hain? Life ki sari situations ke baare mein milti dulti, no. Because we have experienced something very parallel. You have gone through all the emotions. दुनिया का आज तक कोई इंसान मुझे ऐसा नहीं मिला जो 16 साल से बड़ी उम्र का हो और जिसने कहा हो कि मैंने ये particular रस का अनुभव कभी नहीं किया. Actually भाव, not रस. रस वो है जो दर्शक अनुभव करते हैं रस. कोई ऐसा है जो ये कहे जब आपने नवरस की इम्प्रोवाइजेशन की है, यार आई वॉज नेवर इम्पल्स इन माई लाइफ, या मुझे कभी कभी इतना गुस्सा नहीं आया था कि मैं किसी को मार डालना चाहता था या चाहती थी. कभी इतना डर नहीं लगा यार, है ना, या मैंने कभी प्यार का अनुभव नहीं किया. प्यार का मतलब सिर्फ स्पाउस ही नहीं है ना, ये भी खुदा के लिए, ये भी माँ के लिए, पिता के लिए. ओके, सो मैंने आपसे क्या कहा कि यू स्टार्ट इमोटिंग, यू स्टार्ट कॉजिंग, बिकॉज आपने एक्टिवली सोचना शुरू किया एंड यू बिकम द क्रिएटर. यू इनिशिएट बाय थिंकिंग एंड दैट्स रेस्ट इज लाइक आपके शरीर में क्या क्या हो रहा है, यू जस्ट इनिशिएट. फूड खाते हैं ऐसे वो पूरा प्रोसेस होता है, डाइजेस्ट होगा, खून बन जाएगा, लाल रंग का खून होगा, ऑल दैट. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, अभी समझ में आ जाएगा. थोड़ा बहुत अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो लाल रंग को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना. ओके, अनलेस आई शो यू वन द रेड कलर, बट दैट्स रेड कलर. बट ओके, नाउ यू स्टार्ट कॉजिंग. लाइफ में क्या होता है, जैसी सिचुएशन होती है अभी बिकम इफेक्ट. हेयर एक्टिंग में यही फर्क है, यू क्रिएट, यू कॉज. And you cause, you are a creator. आप उसे semi God कह ले या co-creator of God कह ले, you are Brahma. So you create. Now tell me, which is the greatest creation a human being can create or cause? A human being can, of course, with the will of God or Almighty or whatever you want to call higher intelligence. लेकिन human beings can create, which is the biggest creation. सबसे बड़ा सबसे बड़ी रचना या सृजन क्या है बेटे? सबसे बड़ी ऐसे हाथ उठाएंगे. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. गिव हर अ रेड हैंड.